हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है प्रिसिजन अप्रोच रडार। ये बिल्कुल ILS जैसी ही होती है, बट इसमें कुछ एडॉन्स हो जाते हैं जिसके कारण से इसका नाम अलग हो जाता है और ये कुछ हद तक बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं हमें। अब इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है और इसे हम और किस नाम से जानते हैं, जैसे कि नाम इसका मेन है प्रिसिजन अप्रोच रडार, इसको PAR के नाम से भी जानते हैं, और इसका एक और नाम है ग्राउंड कंट्रोल अप्रोच GCA। बेसिकली ये जो डेवलप हुआ था, ये जो सिस्टम है वो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे यूज हुआ था मिलिट्री के द्वारा, और इसमें कुछ खास नहीं है। एक मोबाइल यूनिट हम यूज करते हैं जिसका एक अलग एडवांटेज मिलता है, और उस एडवांटेज के अंदर क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एयरबॉर्न नेविगेशन इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये क्या होता है, मतलब कि जो कॉकपिट था, कॉकपिट में हमको ब्लिंक कर रही थी लाइटें, तो वो हमें उतना एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। बट जब हम PAR की बात कर रहे हैं, फिर GCA की बात कर रहे हैं, तो हमें उस इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें एक हियरिंग एड और मिलने लगा। हियरिंग यानी सुनने की चीजें और मिलने लगी, क्योंकि मोबाइल यूनिट है ये। बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार मूवीज वगैरह में, कि जब जब एरोप्लेन का सीन होता है और वो नीचे आने लगता है और उसके फ्यूल कम हो जाते हैं या फिर जो भी रीज़न है, तो वो आपको एक पायलट जहाँ पे बैठा होता है तो उसको सुनाई देती है आवाज़ के, अब हम 500 मीटर ऊंचाई में, 5,000 फिट पे हैं, 4,000 फिट पे हैं, 3,000 फिट पे हैं, फ्यूल वो हो रहा है। तो ये जो मोबाइल यूनिट है जिसके कारण हमें एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है ग्राउंड की, कि ग्राउंड से हम कितने हाइट में, कितने स्लोप में है, तो उस पूरे के पूरे सिस्टम को आप क्या बोलते हो, GCA बोलते हो, आप PAR नाम दे रहे हो। ठीक है, जैसे आप रेलवे स्टेशन में हो, आप किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हो, तो जब भाई आपको भी डिस्प्ले हो रहा होता है कि ये 5:10 में ये ट्रेन आने वाली है, बट जब वो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म से कुछ दूरी पे होती है तो अनाउंसमेंट होने लगता है कि यात्रीगण कृपया ये ध्यान दें, ये ट्रेन इतने इतने प्लेटफॉर्म में इतने बजे से आने लगती है, तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल आम आदमी की जिंदगी की बात हो गई, बट जब हमें एक लोकलाइजर से या फिर ग्लाइड स्लोप के मदद से जो हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही थी, अब वो इंफॉर्मेशन हमें हियरिंग एड्स के मदद से भी मिलने लगी, एक अवे आवाज आने लगी कि हमको कितने डिग्री में है, हम किस ऊंचाई में है, किस स्लोप में है, तो वो थोड़ी सी जो एक्यूरेसी है वो एक पायलट के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे हमें प्लान भी समझ में आने लगता है और एलिवेशन की भी एक क्लियर पिक्चर हमारे एक माइंड में डेवलप हो जाती है, जिसके कारण से जो मेरी लैंडिंग है वो थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है। देखिए, है तो सिस्टम ILS जैसा ही, बट उसमें एक चीज ऐड हो रही है, हियरिंग ऐड, जो कि हमें सुनने के लिए हेल्प कर रही है। और वो हमें सुनना क्या है, वही ग्राउंड के फीचर के बारे में तो बात करनी है, ग्राउंड से कितना एंगल में है हम, कितने हाइट पे हैं, यही तो हमें सुनना है। पहले क्या होता था कि कॉकपिट के ऊपर हम डिपेंड करते थे, कि कॉकपिट पे हमको देखना पड़ता था लाइट ब्लिंक हो रही है कि नहीं ब्लिंक हो रही है, कितने किलोमीटर में है, कितने में नहीं है, बट यहाँ पे आपको आवाज आ रही है तो आप कॉकपिट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो गए। अब बड़े बड़े एरोप्लेन्स की तो कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत स्पेस होता है, बट जब बात हम करें मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बात करें, बहुत छोटा सा स्पेस होता है। अब उस स्पेस में हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करें, तो इस मोबाइल यूनिट से हम उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते और हर टाइप के एयरक्राफ्ट में हम इसका यूज कर लेते हैं। ज़्यादातर जो कॉमर्शियल एयरलाइन पायलट्स होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यूज़ करने के भी एक दो रीज़न होते हैं ना, जैसे कॉमर्शियल एयरलाइन पायलट्स की मैं बात करूँ, ये ILS को प्रेफर करते हैं। ILS को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि और कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर रहा, कोई अलग से इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड नहीं करा रहा है, और इसके अंदर PAR के अंदर जो प्लेस है वो एक डिपेंडेंसी भी बताती है, कि जो कि कंट्रोल टावर के टर्म्स में होती है। तो इसलिए हमारा ये जो PAR है, बहुत बार कमर्शियल पायलट जो होते हैं वो इसका यूज नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू ILS, बट हम लोग ट्राई करते हैं आज के टाइम पे कि इन दोनों के सिस्टम को यूज करें
ताकि हमारा एक इफेक्टिव फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।